तो मम्मी लगा रही है 10 हार, क्योंकि ये देते हैं पंडित जी। लगा के देखो मम्मी भी ऐसे ही ना धोके रेडी हो रखी है बस। तो देखो दोस्तों फाइनली लग गई है हमारी 10 हार। देख ही लिया होगा कैसा दिया है करके पंडित जी ने हमें। मम्मी जा रही है पानी भरने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। देखो मम्मी गिराने लग गई है किलिम पैदल किलिम पैदल कसने की लेने किलिम चलो 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 कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं दिसो आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अभी हो रही है मॉर्निंग, मॉर्निंग के करीब 8 बज रहे हैं और दोस्तों आज है गंगा दशहरा की एकादशी। तो दोस्तों इस चीज़ को हमारे यहाँ पर बहुत माना जाता है और पंडित जी एक दशहरे का हमारे पास वो देते हैं थोड़ा सा कागज़ जैसा, अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को पर्ची जैसी, वो हमको दहलीज के ऊपर लगानी होती है चिपका के। तो दोस्तों और अभी हमारा नाश्ता वगैरह भी नहीं बना है, दिखाती हूँ आप लोगों को। मम्मी नहा धो के टीका वगैरह लगा के उसको लगा रही है, क्योंकि ऐसे ही लगाया जाता है उसको। तो दिखाती हूँ अब आप लोगों को कैसे लगा रही है और दिखाऊँगी भी कैसा होता है करके वो। तो दोस्तों अब ले चलती हूँ बाहर की ओर। तो दोस्तों मम्मी लगा रही है यहाँ पर 10 हार, जिसको बोलते हैं पहाड़ी लैंग्वेज में। देखो आज है 16 जून, तो मम्मी लगा रही है 10 हार, क्योंकि ये देते हैं पंडित जी और पंडित जी बताते हैं कि इस दिन लगाना करके इसको। और देखो मम्मी ने लगा लिया है ये वाली, पिछले साल का है तो ऐसा हो गया है और वो इस साल का है। ये देखो मम्मी पिछले साल वाला भी चिपका रही है। ये हमारे पूर्वजों से परंपरा चली आ रही है 10 हार लगाने की। देखो पिछले साल पंडित जी ने ये वाला दिया था सरस्वती माता, लेकिन इस बार शिव जी का दे रखा है। अच्छा ये भी शिव जी का ही दे रखा है इस बार। ये देखो इस पे ना मतलब चिपकाने के लिए कुछ होता नहीं है, तो मम्मी इसमें फेविक्विक से चिपका रही है। फेविकॉल सॉरी फेविक्विक तो दूसरा होता है, ये वाला ये फेविकॉल जिससे हम स्कूल में भी यूज करते थे पहले। ये देखो यहाँ पे चिपका रही है। इसको ना नहा धो के सुबह दिया बाती करके ही चिपकाते हैं टीका वगैरह लगा के। देखो मम्मी भी ऐसे ही नहा धो के रेडी हो रखी है। अब बनाती हूँ मैं नाश्ता। और आरू को देखो वहाँ पहुँच गई नानू के साथ अपने, आरू को भी नहलाते हैं अभी फटाफट से बस। तो देखो दोस्तों फाइनली लग गई है हमारी 10 हार। क्या होगा कैसा दिया है करके पंडित जी ने हमें दशहरा लगाने के लिए दहलीज पे। तो अब हम करते हैं नाश्ता वगैरह, क्योंकि मम्मी बना रही है अब नाश्ता। जैसे कि मम्मी ने बताया था कि मैं अब इसके बाद बनाऊंगी नाश्ता वगैरह करके, तो मम्मी बना रही है नाश्ता, हम लोग कर लेते हैं फटाफट से नाश्ता वगैरह। तो दोस्तों आरिका तो अभी सो रखी है नहा धो के, आज वो जल्दी सो गई क्योंकि वो जल्दी उठ गई थी। दिखाती हूँ आप लोगों को सामने, देखो नीचे ज़मीन में सुला रखा है उसको। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बताया था अपने पहले ब्लॉग में भी कि उसको हम लोग ज़मीन में ही सुलाते हैं करके आजकल, क्योंकि ना बिस्तर से गिरने का खतरा रहता है, क्योंकि अब वो चलना शुरू करने लग गई है तो बिस्तर से नीचे गिरने का उसका खतरा है, इसलिए हम लोग उसको ज़मीन में ही सुला के रखते हैं। तो फटाफट से कर लेते हैं हम लोग नाश्ता वगैरह, मिलते हैं आपको। तो दोस्तों फाइनली हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है और मम्मी जा रही हैं पानी भरने के लिए। तो मम्मी निकल गई हैं पानी भरने के लिए, तो क्योंकि ना अभी भीड़ वगैरह भी नहीं होती वहाँ पर, तो इसलिए मम्मी अभी चली गई पानी भरने के लिए, क्योंकि शाम को ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और नंबर आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया था। तो अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ी देर रेस्ट वगैरह, बाकी सारा काम तो मैंने कर लिया है, कपड़े वगैरह धुल के आरू को, वो तो पहले ही नहला धुला के उसको सो गई थी वो, तो हमारे कपड़े वगैरह भी धुल गए हैं। झाड़ू पोछा तो मम्मी ने पहले ही कर दिया था हमारे उठने से पहले, तो अब फटाफट से कर लेती हूँ मैं थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि ना मुझे रेस्ट करने का ना बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि आरू हमेशा
उठ जाती है जब भी मेरे रेस्ट करने का टाइम होता है। तो दोस्तों अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, जब मम्मी आ जाएगी मैं उठ जाऊँगी थोड़ी देर के लिए रेस्ट। तो फाइनली मम्मी घर पे आ गई है और मैंने रख दिया है घर पे गैस पे खाना, खाना भी चढ़ा दिया है दिन का, दाल और चावल, और मम्मी भी पानी भर के आ गई है और आरू भी उठ चुकी है। तो मैं थोड़ी देर आरू के साथ खेलती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद दोस्तों, तब तक मेरा खाना भी बन जाएगा। फाइनली मेरा खाना वगैरह भी बन गया है, अब खाते हैं खाना वगैरह और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, क्योंकि खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, फिर मिलेंगे आपको शाम को। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद देखो मम्मी गिराने लग गई है बर्तन गुस्से से, और यहाँ पे देखो मम्मी ने बना दी है चाय, और यहाँ पे आरू के लिए हो रहा है दूध गरम, और ये देखो इतना पसीना हो रहा है इन दोनों को, आरू के तो सारे कपड़े भी खोल दिए हैं, बस इनर में ही रखा है उसको, कल भी इनर में ही रखा था, आज भी इनर में ही रखा है उसको, गर्मी हो रही है। देखो मम्मी ने तो सूट भी खोल के साड़ी पहन के लिए चले गए, क्योंकि इसको सूट में गर्मी लग रही थी, सुबह तो सूट ही पहना था इसने। देखो दोनों आमनाथनी बाय 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 बोल, नची 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 किलिम पादला किलिम पादला घसनी की लेने, किलिम पादला घसनी की लेने, मेरी यारी का हसनी की लेने, किलिम पादला घसनी की लेने, किलिम पादला नहीं करता चल फिर दूध भी ना, उधर चलो उधर चलो चलो गुड गर्ल चलो फटाफट वहां को चलो, चलो उधर बहुत अच्छा चलो चल फटाफट इधर देख चलो 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 दाड़ी 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 चलो, सीखेगी गंदी चीज सीखेगी, देखो दोस्तों सांप का कितना प्यारा मौसम हो रहा है, साथ में चंदा मामा भी आ गए हैं, यहाँ पे चल रही है इनकी मंडली। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट या सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं दिसू मिलती हूँ अब आपको अपने नए ब्लॉग में नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।